साथियों नमस्कार। आज राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित परिचर्चा में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के विषय संख्या 508 यानी कि प्रारंभिक स्तर पर कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा विषय के लिए बातचीत करने के लिए आपके साथ बैठे हुए हैं। हम कार्य शिक्षा की क्या अवधारणा है, कार्य शिक्षा की क्या परिभाषा है, यह तो पहले ही जान और समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कार्य शिक्षा का किसी भी प्रारंभिक स्तर की शिक्षा या किसी भी विद्यालयी शिक्षा में किस प्रकार का महत्व है, इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। साथियों आप जानते हैं ना कि कार्य शिक्षा है क्या, हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। कार्य शिक्षा का तात्पर्य एक अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, शारीरिक श्रम से जुड़ी हुई गतिविधि से है जो कि या तो सेवाओं में परिलक्षित होती है और या फिर किसी प्रकार की गतिविधि में। गतिविधि से यहाँ पर तात्पर्य है किसी हुनर से। पूरे भारतीय समाज या संस्कृति को आप देखें तो हर किसी के पास किसी ना किसी प्रकार का हुनर होता है। वह हुनर या तो उन्हें संतुष्टि प्रदान करता है और या उन्हें आजीविका प्रदान करता है। तो इस तरह के हुनर की जानकारी और समझ हमारे विद्यार्थियों को हो और वो हुनर के साथ जुड़कर ज्ञान का सृजन करें, यह कार्य शिक्षा है। दूसरी तरफ कार्य शिक्षा को हमने सेवाओं से जोड़ा, यानी कि किसी वृद्ध के साथ संवाद करना, उसके साथ समय बिताना, उसकी ज़रूरतों को पहचानना, यह एक प्रकार की सेवा हो सकती है। या बागवानी करना, पर्यावरण के लिए कोई भी कार्य करना, यह सब सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो यह तो मैंने संक्षिप्त में आपको कार्य शिक्षा की अवधारणा बताई जिससे आप पहले से ही परिचित हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्य शिक्षा का महत्व क्या है जो आज का मुख्य विषय बिंदु है। महत्व पर बात करने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ आज़ादी से पहले, यानी कि वर्ष 1906 में। वर्ष 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश के सम्मुख बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा का प्रश्न रखा। इस प्रश्न का उत्तर एक ऐसी शिक्षा नीति में था जिसके द्वारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के रास्ते पर चला जा सके, जो समाज की जरूरतों को बुनियादी तौर पर समझकर पूरा करने की ओर प्रवृत्त हो, साथ ही जिसके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और तकनीक सभी के विकास के लिए संभावनाएं हों। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की गई जिसके द्वारा टुकड़े टुकड़े होते हुए समाज को जोड़ा जा सके, बिखरते हुए मूल्यों को विश्वास की माला में पुनः पिरोया जा सके और कार्य तथा शिक्षा के बीच की खाई को पाटा जा सके। आप सवाल उठा सकते हैं कि कार्य तथा शिक्षा के बीच की खाई कैसे पाटी जा सकती है। साथियों यहाँ पर मैं आपको महात्मा गांधी द्वारा कही गई एक बात जो उन्होंने वर्धा सम्मेलन में कही थी उसकी याद दिलाती हूँ। उन्होंने वर्धा सम्मेलन में अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा था कि दोस्तों, किताबी ज्ञान से किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। विद्यार्थी तभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जब वह खुद काम की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। और उन्होंने सूत कताई का बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो जब विद्यार्थी काम से जुड़ते हैं, यानी कि खुद हाथ द्वारा श्रम करते हैं, काम करते हैं, तो वो जिंदगी की बहुत सी बारीकियों को समझते हैं और हुनर को भी समझते हैं। तो ये बात है कार्य तथा शिक्षा के बीच की खाई को पाटना। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कार्य के उद्देश्य को आपके सामने रखते हैं। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 हो, सभी ने कार्य शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। कार्य शिक्षा का पहला महत्व है, बच्चे अपने शरीर की प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित आदतों और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकें। इसका उदाहरण मैं देती हूँ।
एक किताब को में ये वाक्य पढ़कर कोई भी विद्यार्थी अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित आदतों का विकास नहीं करेगा, पर जब आप उसको काम से जोड़ेंगी, अर्थात सुबह कब उठना है, सुबह कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है, यदि यह विद्यार्थियों को हम काम से जोड़कर समझा देते हैं तो स्वतः वे समझ जाते हैं कि पूरे घर में सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और खुद मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या क्या काम ज़रूरी हैं, उसके लिए मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके लिए वे काम के महत्व को समझते हैं और काम से जुड़ जाते हैं। अब अगला हमारा महत्व है अपने आसपास के परिवेश के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न करना तथा मानव जाति और पर्यावरण के अंतः संबंध के प्रति समझ विकसित करना। यह हमारी कार्य शिक्षा का दूसरा महत्व है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। देखिए, हमारे आसपास पौधे हैं, तरह तरह की वनस्पति है। अब ये पौधे मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं या मेरा जीवन इनके ऊपर किस तरह से निर्भर है, यह बात हम किसी भी किताब में लिखे हुए वाक्य को रटकर नहीं समझ सकते। पर यदि मुझे ये कहा जाए कि मेरे आसपास जो पौधे हैं और वो यदि सूख रहे हैं तो मुझे प्रतिदिन उनमें पानी देना है या उसमें निराई गुड़ाई करनी है, ऐसा उत्तरदायित्व की भावना मेरे अंदर भर दी जाए तो मैं प्रकृति के साथ अपने संबंध को समझने लगूंगी। और यह काम किताब में लिखे हुए वाक्य को रटकर नहीं किया जा सकता, यह तब किया जा सकता है जब काम में मुझे जोड़ा जाए। अब मैं तीसरे महत्व की बात करती हूँ। तीसरा महत्व है शारीरिक कार्य और श्रम के महत्व के प्रति समझ व सम्मान की भावना पैदा होती है। यहाँ पर शारीरिक कार्य से तात्पर्य है वे काम जो आम तौर पर जिनको हम बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं, जैसे स्वच्छता का, साफ सफाई का काम, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना और इस तरीके के मजदूरी के काम, इनको हम बहुत बार हीन दृष्टि से देखते हैं और कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हम इनसे जुड़ें। पर आप देखें, यदि ये सब काम हम करना बंद कर दें तो क्या आप किसी विकास की संभावना कर सकते हैं? आज हम जिस आर्थिक विकास की बात करते हैं कि हमारे शहर में इतने फ्लाईओवर बन गए, इतनी सड़कें बन गई, नदी के ऊपर ये पुल बन गया, तो ये क्या बिना शारीरिक श्रम के संभव हुआ? तमाम मजदूरों ने इसमें अपना शारीरिक श्रम दिया है। तो किसी भी तरह के विकास की संभावना भी शारीरिक श्रम के बगैर संभव नहीं है। तो विद्यार्थी शारीरिक श्रम के महत्व को समझें और श्रमजीवियों का सम्मान करना सीखें, इसके लिए कार्य शिक्षा विषय विद्यार्थियों को पढ़ाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों का विकास करने में कार्य शिक्षा से मदद मिलती है। ये सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों का मतलब क्या है? सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों का मतलब है वे मूल्य जो किसी भी समाज के विकास के लिए सभ्यता और संस्कृति के द्वारा अपेक्षित हैं, जैसे नियमितता, समय की पाबंदी, स्वच्छता, आत्मनियंत्रण, परिश्रमशीलता, कर्तव्य बोध, सेवा भावना, उत्तरदायित्व की भावना, उद्यमशीलता, समानता के प्रति संवेदनशीलता, भाईचारे की भावना। इन सभी गुणों का विकास मात्र किताबें पढ़ने या प्रवचन सुनने से नहीं होता, बल्कि जब विद्यार्थी मिलजुल कर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यकलाप करते हैं तब स्वतः उनके अंदर सामाजिक रूप से वांछनीय गुण पल्लवित होते हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ। बचपन से ही कहा जाता है माता पिता का आदर करें। अब ये बात यदि आप मुझे तोते की तरह रटवा देते हैं तो क्या आप समझते हैं कि ये वांछनीय गुण मेरे भीतर पुष्पित पल्लवित हो पाएगा? नहीं। ये गुण तभी पल्लवित हो पाएगा जब मैं रोज़मर्रा की जिंदगी में
अपने माता पिता के लिए, अभिभावकों के लिए, बड़ों के लिए कुछ ऐसा काम करूंगी जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि उनके आवश्यकता पड़ने पर उनको पानी देना, आवश्यकता पड़ने पर उनकी ज़रूरत की चीज़ों को उपलब्ध करवा देना। ऐसे ऐसे उत्तरदायित्व जब मैं उनके प्रति समझूंगी कि ये मेरी जिम्मेदारी है पूरा करने की, तो मैं जो मेरे भीतर सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्य हैं वो स्वतः विकसित होंगे। हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। इस श्रृंखला में एक और महत्व है, कार्य शिक्षा के माध्यम से पोषण, आहार, संक्रामक रोग, स्वच्छता संबंधी नियमों की जानकारी मिलती है और कार्य के जरिए वे सामाजिक सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने के प्रति स्वच्छता व सचेत व सजग होते हैं। मैं उदाहरण देती हूँ। आपने यदि मुझे यह रटवा दिया कि विद्यार्थियों अपने आसपास सफाई रखो, विद्यार्थियों अपने आसपास सफाई रखो, ऐसा वाक्य रटने से मैं स्वच्छता और सफाई के प्रति सचेत नहीं रहूंगी। पर सप्ताह में यदि एक या दो बार भी विद्यालय की समय सारणी में आप एक ऐसी घंटी निकालेंगी जिसमें कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने विद्यालय परिसर या विद्यालय के बाहर जो हमारा समुदाय है उसमें खुद साफ सफाई का काम करते हैं, तो इससे मैं अपने आसपास की जो सामुदायिक स्वच्छता है उसको बनाए रखने में अपना पूरा योगदान दूंगी और खुद से योगदान दूंगी। उसके लिए मुझे किसी आदेश या निर्देश की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो भावना तो खुद मेरे भीतर पैदा होगी। अगला महत्व है स्व अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के गुण का पोषण। प्रत्येक बच्चे में सृजन की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं और कलात्मक अभिव्यक्ति उसका स्वाभाविक लक्षण है। कार्य शिक्षा कलात्मक कार्यकलापों का आयोजन करके व्यक्तिगत आधार पर आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि हम सबके भीतर किसी ना किसी प्रकार का हुनर छिपा हुआ है। अब वो हुनर सामने कैसे आता है? कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बाह्य मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वे तो अपने हुनर का प्रदर्शन, अपनी अभिव्यक्ति स्वतः सबके सामने रख देते हैं। वे अवसर ढूंढ लेते हैं कि कब मुझे अपनी बात सब तक पहुंचानी है। पर बहुत से अंतर्मुखी विद्यार्थी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, जो ये इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कोई उन्हें प्रोत्साहित करे, कोई उन्हें मौका दे, कोई उन्हें अवसर दे, तब वे अपनी बात दूसरे के सामने रख पाते हैं। तो कार्य शिक्षा ऐसे तमाम कार्यकलापों का आयोजन करता है, बाल सभा का आयोजन, प्रातःकालीन सभा का आयोजन और भी तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन। इन आयोजनों में जब हम विद्यार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो उसके भीतर छुपे हुए जो उद्गार हैं, उसके अंदर जो हुनर हैं, वे खुद ब खुद सामने आते हैं और विद्यार्थी को स्व अभिव्यक्ति के अवसर मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्व है सांस्कृतिक विरासत स्थानीय व राष्ट्रीय दोनों की सराहना करने की क्षमता तथा संरक्षण की भावना को कार्य अनुभव पोषित करता है। सांस्कृतिक विरासत से क्या तात्पर्य है? हम सब जानते हैं कि सभ्यता के साथ साथ हमने एक विलक्षण संस्कृति का सृजन किया और उसके दर्शन किए और आज उसी विलक्षण संस्कृति के कारण हम पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं। अब यह संस्कृति मुझसे आगे की पीढ़ी तक पहुँचे, यह किताबों के द्वारा नहीं हो सकता। किताबें उस संस्कृति को संरक्षित तो कर सकती हैं, पर उसे हस्तांतरित करने का काम हम काम से जुड़कर करते हैं। हम विद्यार्थियों को तरह तरह के कामों में जोड़ेंगे। जैसे चलिए आज हम महत्वपूर्ण स्मारकों का दर्शन करते हैं। जैसे चलिए हम ले चलते हैं आपको कुतुब मीनार की सैर पर। अब कुतुब मीनार सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ हम केवल मज़ा लेने नहीं जा रहे, मज़ा तो लेंगे ही, मज़ा तो उसका एक पक्ष है, पर मज़े के साथ साथ
हम ये भी जानेंगे कि देखिए आज से इतने पुराने समय पहले जब तकनीक का बिल्कुल विकास नहीं था तब भी मजदूरों ने किस तरह से इतनी ऊंची इमारत का सृजन किया, निर्माण किया, क्या क्या सामग्री उसमें लगी। वो आज भी इमारत देखिए पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी हुई है। कितनी आंधियां आई, बारिशें आई, पर कुतुब मीनार ज्यों की त्यों खड़ी है। तो उसके पीछे कितनी मेहनत लगी, वो क्यों बनाई गई, उसका क्या महत्व है, ये सब हम विजिट करके जानेंगे। और जब हमने उसको देखा और ये सब उसका महत्व जाना, तो निश्चित रूप से ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, ये भावना भी हमारे अंदर पैदा होगी और ये केवल कार्य शिक्षा के द्वारा ही संभव है। आगे बढ़ते हैं। कार्य शिक्षा के द्वारा नेतृत्व की भावना व नेतृत्व कौशल को प्रस्फुटित करने में सहायता मिलती है। कुछ बच्चे स्वभावतः अंतर्मुखी होते हैं, पहल करने से झिझकते हैं। कार्य शिक्षा बच्चों को इस तरह के अनुभव प्रदान करती है जिससे सरल से कार्यकलापों के द्वारा उनमें नेतृत्व कौशल को विकसित व पोषित किया जा सके। इस बात को भी मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। नेतृत्व कौशल एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन कौशल है और इसके द्वारा ही हम खुद को भी आगे बढ़ाते हैं और समाज को भी आगे बढ़ाते हैं। यदि नेतृत्व ना होता तो शायद आज हम आज़ादी भी ना पा पाते, क्योंकि किसी ने तो नेतृत्व, किसी ने तो पहल की तो आज़ादी का बिगुल बजा और हम आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं। अब हम आज़ादी से एक बहुत छोटे से उदाहरण की ओर आते हैं। हमने विद्यालय परिसर की सफाई करनी है और ये काम हमने बच्चों को दिया है। अब विद्यालय परिसर में कौन सा काम पहले किया जाए या कौन सा काम कौन कौन विद्यार्थी करेगा या करेगी, ये तो किसी ना किसी को नेतृत्व लेना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना कि कक्षा में 40 विद्यार्थी हों, 40 के 40 एक साथ एक काम में जुट जाएं। यदि ऐसा होगा तो हंगामा हो जाएगा और काम तो हो ही नहीं पाएगा। तो ज़रूरी है कि कोई एक नेतृत्व ले, नेतृत्व लेकर ये तय करे कि डस्टिक का काम ये व्यक्ति करेगा, झाड़ू लगाने का काम ये करेगा, कूड़ा कहाँ डाला जाएगा, कब कहाँ पर हम सामग्री ऐसी रखेंगे जो लंबे समय के लिए रखी जाए, कब कौन सी सामग्री कहाँ रखेंगे जो रोज़मर्रा इस्तेमाल हो, ये निर्णय लेने ही पड़ेंगे। और ये निर्णय हम कोई वाक्य रटवा कर नहीं ऐसी क्षमता पैदा कर सकते। तो इसके लिए जब हम विद्यार्थियों को काम से जोड़ते हैं तो उनके भीतर खुद ब खुद नेतृत्व कौशल, पहल करने की भावना उपजती है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्व हम इस प्रकार से देखते हैं कि कार्य शिक्षा आवश्यक जीवन कौशलों का विकास करती है। यानी कि शिक्षा का वास्तविक एवं आदर्श दायित्व है कि वह बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करे। कार्य शिक्षा विद्यार्थियों में आवश्यक जीवन कौशलों यथा समस्या समाधान, निर्णय लेना, सृजनात्मक सोच, समालोचनात्मक सोच, तदानुभूति, प्रभावी संप्रेषण, स्वयं की पहचान जैसे कौशलों का विकास करने में मदद करती है। और बच्चों को दैनिक जीवन की चुनौतियों, मांगों से प्रभावी ढंग से निपटने के योग्य बनाती है। ये सभी जो जीवन कौशल हैं हमारे लिए आवश्यक हैं। और निश्चित रूप से किताब में पढ़कर, उसको रटकर और फिर पुनः परीक्षा में लिखकर हम किसी भी जीवन कौशल को आत्मसात नहीं कर सकते। जब तक आप मुझे कोई काम करने का मौका नहीं देंगे तब तक मेरे अंदर निर्णय लेने की क्षमता कैसे पैदा होगी। आज आप मुझे कोई काम देते हैं कि आप फला जगह जाइए और वहां से जाकर ये सामान खरीद कर लाइए और ये सामान इतनी ही मूल्यों में आना चाहिए, तो ये जो कौशल मुझे पैदा करना है, मैं निर्णय लूंगी कि मुझे क्या क्या खरीदना चाहिए, ये सामान आवश्यक है या नहीं आवश्यक है, यह सामान
कम मूल्य का किस स्थान से मिल सकता है, ये मैं समस्या का समाधान करूंगी। और कितने समय में मैं यह सब कर सकती हूँ, ये सारी सूझबूझ मैंने काम के द्वारा ही पैदा करनी है। आमतौर पर विद्यार्थी सवाल करते हैं कि ये तदानुभूति नाम का जीवन कौशल क्या है। तदानुभूति जीवन कौशल से तात्पर्य है कि मैं दूसरों के प्रति वैसा ही सोचूं जैसा मैं खुद के प्रति सोचती हूँ। मैं एक उदाहरण देती हूँ। अचानक सुबह सुबह बारिश हो उठती है और जो विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं वो भीग चुके हैं, क्योंकि जब वो घर से चले थे उस समय वो बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कोई छतरी आदि का इंतज़ाम नहीं किया था। अब वह गीले ही विद्यालय में आ गए। विद्यालय में पूरे 5 या 6 घंटा उनको ठहरना है, तो गीले कपड़ों में 6 या 7 घंटे बैठना मुश्किल होगा। मैं खुद अपने लिए सोचूंगी कि यदि मुझे 6 घंटा विद्यालय में गीले कपड़ों में बिताना है तो क्या ये एक सुविधाजनक स्थिति होगी। मैं खुद से कहूंगी नहीं, गीले कपड़ों में रहकर तो मैं काम नहीं कर सकती, शायद बीमार पड़ जाऊं या मेरे शरीर को किसी और प्रकार की असुविधा हो। तो ऐसा सोचकर जो मैं खुद के लिए निर्णय लूंगी, वही मैं निर्णय दूसरे के लिए यदि ले रही हूं, तो ये है तदानुभूति। तदानुभूति सिंपथी से थोड़ा अलग होती है, सहानुभूति से कुछ अलग होती है। सहानुभूति जैसे कोई बहुत भूखा व्यक्ति है और उसको भोजन दे देना, ये सहानुभूति है। सहानुभूति एक समय के लिए तो ठीक है, पर लंबे समय तक यदि हम सहानुभूति दर्शाते रहें तो विद्यार्थी या व्यक्ति परजीवी बनने की प्रक्रिया में आ जाता है। लंबे समय तक हम हर भूखे को रोटी नहीं दे सकते। हम कहेंगे कि आज तुम्हें रोटी दी है, पर आगे से स्वतः काम करके तुम खुद रोटी कमाने की कोशिश करो। और हम उन्हें काम के अवसरों की संभावनाएं उनके सामने रखेंगे। तो ये है तदानुभूति, और तदानुभूति ही महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति को और निर्णय लेने के सक्षम बनाती है। आगे बढ़ते हैं। कार्य जगत से शिक्षा की संबद्धता को स्थापित करना। कार्य शिक्षा समुदाय की विभिन्न कार्य परिस्थितियों को जानने और उनमें हिस्सा लेने के अवसर प्रदान करती है। काम तथा कामगारों की दिनचर्या को जानने के लिए प्रेरित करती है। समाज की उत्पादक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चारों तरफ तरह तरह के काम हो रहे हैं। जैसे कि दूध दुहा जा रहा है, वो ग्वाला दूध लेकर हमारे पास आ रहा है, तरह तरह के काम हमारे सामने हो रहे हैं। ये कौन कौन से उत्पादक कार्य हैं, इनमें हम कैसे जुड़ सकते हैं, यह सब बातें हमें कार्य शिक्षा के द्वारा ही जानकारी मिलती है। स्कूल व समुदाय में जुड़ा। संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम में संभवतः कार्य शिक्षा एक ऐसा विषय है जो प्रभावशाली तरीके से विद्यालय को समुदाय के निकट लाता है। कार्य शिक्षा समुदाय की सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि का हर स्थिति में ध्यान रखता है और समुदाय के दस्तकारों को उनकी कला व उनके हुनर के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित भी करता है। आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा अभी मैंने कहा कि कार्य शिक्षा हुनर दस्तकारों को आमंत्रित करती है, आपने देखा कहीं पर मधुबनी है तो कहीं पर कांथा है, कहीं पर फुलकारी है, कहीं बांस से टोकरी बनाई जा रही है, तरह तरह के हुनर हैं। ये हुनर की जानकारी कैसे मिले और विद्यार्थी ये कैसे जाने कि ये हुनर सिर्फ आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि ये हुनर हमारी संस्कृति का हिस्सा है, यह केवल हमें कार्य शिक्षा के द्वारा ही पता चलता है। क्योंकि समुदाय और विद्यालय दोनों ही कार्य शिक्षा के माध्यम से एक दूसरे के निकट आते हैं। तो साथियों, मैं महसूस करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आज जो हमारी परिचर्चा हुई कि
विद्यालयी शिक्षा में कार्य शिक्षा का क्या महत्व है, वह किस तरह से विद्यार्थियों को काम और काम से जोड़ता है या श्रमजीवियों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करता है, ऐसा हमने जाना। और हम यह विश्वास करते हैं कि आप भी इस विषय के महत्व को समझकर अपने विद्यालय में इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।